मॉर्निंग्स, मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। हैंडपंप के पानी से नहाते ही गंजा हो गया पूरा परिवार। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर नजर डालते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, अगर ये जल ही जीवन कहा जाता है, अगर वो ही जल आपके लिए अभिशाप बन जाए तो ये सब चीजें किसके लिए कहने की हैं? बताया जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है बिहार के मधुबनी जिले के लदिया प्रखंड से आ रहा है, जहां पर एक ही परिवार के चार सदस्य जो है हैंडपंप के पानी से नहाने के बाद जो है वो गंजे हो गए। बताया जा रहा है कि वहां पर ये जो पूरा परिवार है वो सुबह एक्चुअली में नहाया, मोहम्मद उनका नाम है जो कि मुख्य है परिवार के, उनका परिवार है और उनके परिवार में एक उनकी पत्नी है और एक बेटी है और एक बेटा है। ये चारों जो है पहले सुबह जो है वो परिवार के मुख्य नहाए मोहम्मद, और उसके बाद उनकी पत्नी और उसके बाद बच्चे नहाए। इस दौरान ही उनका सर जो है शाम तक पूरा गंजा हो गया। इस दौरान ही वहां के प्रखंड को जब इसके बारे में पता चला, डीएम को और सब प्रशासन को इसके बारे में पता चला, तब वहां पर हड़कंप मच गई और वहां पर पुलिस और वहां पर डॉक्टर्स जो है वहां पर पहुंचे और पानी का नमूना ले लिया है और उसी के साथ हैंडपंप को जो है वो सील कर दिया है। जब परिवार के मुख्य मोहम्मद से बात की गई तब उनका कहना ये है कि हम हैंडपंप से नहाए थे, उसके पानी से नहाए थे और उसके बाद बीच में बाल जो है वो आपस में चिपकने लग गए, और जब बालों को छू के देखा तब बालों की गठिया जो है वो हाथ में निकलने लग गई। ऐसे ही करते करते शाम तक जो है वो सर के ऊपर से पूरे बाल जो है वो उतर गए। हालांकि वहां पे डॉक्टर का कहना यह है कि अभी नमूना ले लिया गया है पानी का और इस दौरान ही वहां पर हैंडपंप को सील कर दिया गया है, इसकी अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार किस वजह से इस पूरे परिवार के बाल जो है वो उतर गए हैं। हालांकि पूरे गांव में जो है ये हैंडपंप के पानी का जो चर्चा है वो काफी ज्यादा चल रही है। तो आई होप गाइस आप लोग को जानकारी काफी ज्यादा अपडेटेड लगी होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।